स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5 फ्रॉम द एलिमेंट्स। इसके हम आज फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने थर्ड क्वेश्चन तक किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। y इक्वल टू एक्स साइन वाई प्रूव करना है। dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन में एक्स वन माइनस में एक्स कोस वाई। वाई हमें गिवन है एक्स साइन वाई की फॉर्म। देन इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx। टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शंस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस में साइन y, x का क्या हो गया 1। ये वाले टर्म इधर आ जाएगी dy बाई dx इक्वल टू साइन y। यहाँ से dy बाई dx कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रह गया 1 माइनस में x cos y इक्वल टू साइन y। सो वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज साइन y अपॉन 1 माइनस में x cos y। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट, y अपॉन में x इंटू 1 माइनस x cos y है, तो हम साइन y को चेंज कर देंगे। हमारा क्या है यहाँ पे साइन y, तो यहाँ से देखो साइन y किसके इक्वल टू आ गया y अपॉन में x। तो यहाँ पे हम लास्ट में पुट कर देंगे dy बाई dx क्या आ गया y अपॉन में x इंटू में 1 माइनस में x cos y। ठीक है, यही हमें क्या करना था, इजी था, डायरेक्ट हमने डिफ्रेंसिएशन किया है। लास्ट में साइन y आया है हमारा, साइन y की जगह पे y अपॉन x पुट कर दो। सेकेंड पार्ट करते हैं हम, x साइन a प्लस y प्लस में साइन a कोस a प्लस y इक्वल टू जीरो। प्रूव करना है कि dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वेयर a प्लस y अपॉन में साइन a। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इसका क्या हो गया कोस a प्लस में y, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस में साइन a प्लस y एज इट इज, x का क्या हो गया 1 प्लस y। ये भी टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है, साइन a इसका हो गया माइनस कोस a प्लस में y, और y का क्या हो गया यहाँ पे dy बाई dx प्लस में कोस a प्लस y। ठीक है, कोस a प्लस y और साइन a का क्या बन गया 0। तो डायरेक्ट हमारा इसका क्या हो गया, साइन ए तो कांस्टेंट टर्म थी और कोस का क्या बन गया, सॉरी कोस का माइनस साइन, माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू में डीवाई बाई डीएक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना था यहाँ पे कि डीवाई बाई डीएक्स किसके इक्वल टू आए, साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, साइन ए। हमें यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स वाले टर्म को एक साथ में करना है, तो ये क्या बन गई हमारी डीवाई बाई डीएक्स, मैंने कॉमन निकाल लिया x cos a प्लस में y। ठीक है, और यहां से क्या आ गया हमारा माइनस साइन a प्लस वाई इंटू में साइन a, ये तो हमारी जीरो ही बन गई टर्म, और यहां पे क्या बचा हुआ है साइन a प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया ये जीरो। यानी कि u इंटू में v रूल लगाया है हमने, यहां पे हमें चाहिए साइन स्क्वेयर a प्लस वाई अपॉन में साइन a। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वेयर वाले टर्म तो बन नहीं रही हमारी, तो x साइन a प्लस वाई प्लस में साइन a कोस a प्लस वाई है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालू तो साइन a प्लस वाई इधर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड के अंदर, फिर वहां से अगर हम u बाई v रूल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वेयर a प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये लेंथी भी हो जाएगा और ये सोल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए डी स्क्वेयर सॉरी डीवाई बाई डी एक्स के अंदर क्या चाहिए साइन स्क्वेयर a प्लस वाई। तो अगर मैं यहाँ से x साइन a प्लस वाई को यहीं पे रखू उस वाले टर्म को उधर लेके जाऊ साइन a cos a प्लस वाई, सो वैल्यू ऑफ x इज माइनस साइन a cos a प्लस वाई अपॉन में क्या आ गया स्टूडेंट साइन a प्लस वाई। देखो साइन a प्लस वाई चाहिए हमें, अगर मैं u बाई v रूल लगाऊंगी तो नीचे क्या बनेगा इसका स्क्वेयर बनेगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो नीचे क्या बन गया साइन स्क्वेयर a प्लस में y। अब यही टर्म ऊपर एज इट इज आती है साइन a प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस साइन a तो एज इट इज, कोस का क्या बन जाएगा माइनस साइन a प्लस में y। ठीक है, फिर माइनस 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 क्या होगा ये प्लस साइन a कोस a प्लस में y, और साइन a प्लस वाई का क्या बन गया कोस a प्लस में y। इस तरह से इसको हमें सोल्व करेंगे, dx अपॉन में dy क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन a आ गए, ये साइन a प्लस वाई साइन a प्लस वाई,
क्या बन गया साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, प्लस में साइन ए कॉमन, कोस ए प्लस वाई इंटू कोस ए प्लस वाई कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई। नीचे क्या आ गया स्टूडेंट साइन स्क्वेयर ए प्लस में वाई, साइन ए कॉमन आ रहा है ना ऊपर से, साइन ए हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई प्लस में कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई। नीचे है साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा क्या बन गया स्टूडेंट वन, सो साइन ए अपॉन में साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई। ठीक है, बट हमें क्या निकालना था डीवाई बाई डी एक्स, हमने निकाला है डीएक्स बाई डी वाई, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, उस वाले मेथड से डायरेक्ट करते हैं तो वहां पे हमारा साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई नहीं बनता, सो हमने यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स का फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव किया है यूजिंग यू बाई वी रूट, फिर यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन में साइन। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ई टू दी पावर एक्स प्लस में ई टू दी पावर वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस में वाई। हमें प्रूव करना है कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू में ई टू दी पावर वाई माइनस में वन अपॉन में ई टू दी पावर वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस में वन। ठीक है, हमारे पास गिवन है स्टूडेंट ई टू दी पावर एक्स प्लस में ई टू दी पावर वाई ई टू दी पावर एक्स प्लस में वन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का यही, ई टू दी पावर वाई का ये, और वाई का क्या बन गया डीवाई बाई डी एक्स, इसका ये एज इट इज, और एक्स प्लस वाई का, एक्स का वन और वाई का डीवाई बाई डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ई टू दी पावर वाई डीवाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस में वाई प्लस में ई टू दी पावर एक्स प्लस में वाई इंटू में डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इसको इधर ई टू दी पावर एक्स या ई टू दी पावर वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस में ई टू दी पावर एक्स प्लस में वाई डीवाई बाई डी एक्स। इधर क्या रह गया ई टू दी पावर एक्स प्लस में वाई और ये माइनस का हो गया इधर। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा डीवाई बाई डी एक्स, अंदर रह गया ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, इसको ये लिख सकते हैं ना ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई इंटू में डीवाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स e टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स तो हमने बाहर ही ले लिया था ना, ई टू दी पावर वाई भी कॉमन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आ गया वन माइनस में ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ गया, अंदर रह गया ई टू दी पावर वाई माइनस में वन। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर वाई माइनस वन अपॉन में ई टू दी पावर वाई वन माइनस में ई टू दी पावर एक्स। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से नीचे से, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर वाई माइनस वन अपॉन में ई टू दी पावर वाई ई टू दी पावर एक्स माइनस में वन, क्योंकि यहाँ पे वन माइनस में ई टू दी पावर एक्स। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव किया है ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, इसका ई टू दी पावर वाई, वाई का डीवाई बाई डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई किया डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ और जो रिमेनिंग रहेगी वो टर्म एक साथ, यहाँ से हम ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई था इसको क्या कैसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस में ई टू दी पावर एक्स। डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस में वन अपॉन ई टू दी पावर वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस में वन। सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर, तो वाई लोग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे वाई को इधर ले आते हैं, वाई लोग एक्स प्लस में वाई इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन आ गया वन प्लस में लोग एक्स इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन वन प्लस में लोग एक्स। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया नीचे इसका स्क्वेयर बन गया वन प्लस लोग एक्स का स्क्वेयर, वन प्लस लोग एक्स एज इट इज एक्स का वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस लोग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया।
डीवाई बाई डी एक्स आ गया स्टूडेंट 1 प्लस में लॉग एक्स माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। सो डीवाई बाई डी एक्स हमें यही तो प्रूव करना था, लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस में लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बहुत इजी था स्टूडेंट, हेंस डायरेक्ट हमने इसका डेरिवेटिव किया है, देन डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ और अदर्स टर्म एक साथ। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, इफ वाई रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, प्रूव दैट डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस में एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वन माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो डेरिवेटिव दो फंक्शन की प्रोडक्ट है यू इंटू में वी रूट, तो वाई इंटू में इसका जो डेरिवेटिव होगा टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा माइनस में टू एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का क्या बन जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। सिमिलरली ये दो फंक्शन है एक्स इंटू में वन अपॉन में टू रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर, इसका क्या हो गया माइनस टू वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर, एक्स का क्या हो गया वन और वन का यहाँ पे क्या हो गया राइट हैंड साइड में जीरो, तो यहाँ से ये टू से टू कैंसिल आउट, माइनस एक्स वाई अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया वन माइनस में एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, टू से टू कैंसिल आउट, माइनस एक्स वाई अपॉन में रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस में रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब डीवाई बाई डी एक्स हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह गया रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर, ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर, और ये उधर जाके किसकी होगी प्लस की एक्स वाई अपॉन में रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, हमने डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ में रखा है और जो अदर्स टर्म रहेगी उसको एक साथ। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में क्या है अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इधर भी हम एलसीएम लेंगे वन माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये माइनस क्या अंडर रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में यही टर्म माइनस की थी ना, यहाँ पे प्लस में एक्स वाई, हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो डीवाई बाई डी एक्स उधर रखेंगे और जो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगी ये डिवाइड में, तो ये है अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई अपॉन में क्या है अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ये सारी टर्म आएगी हमारी, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये टर्म ऊपर जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, ये ऊपर जाएगी ये नीचे, तो ये वाली जो है ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया स्टूडेंट माइनस और ये ऊपर चला जाएगा वन माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना था ना, माइनस अंडर रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर वन माइनस में एक्स स्क्वायर, इजी है स्टूडेंट, थोड़ी सी लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, हमें स्टेप वाइज इनको सोल्व करते जाना है यूजिंग डिफ्रेंसिएशन रूल, ठीक है, तो ये वाला हमें गिवन था तो यू इंटू में वी रूल लगाया, यहाँ भी यू इंटू में वी। अब डीवाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाला, अदर टर्म्स को उधर लेके गए, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद ये टर्म आ गए, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये उधर जाके क्या होगा डिवाइड के अंदर, फिर ये ऊपर जाके क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो ये सेम टर्म है हमारे, ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे सेम टर्म होगी वन माइनस में एक्स स्क्वायर वन माइनस में वाई स्क्वायर, ये माइनस का था ये प्लस का था और यहाँ पे अगर हाँ ये माइनस की है हमारी, ये अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लू तो ये प्लस की बन जाएगी ये माइनस की बन जाएगी, सेम ही बात है ना, तब हमारा ये डेरिवेटिव क्या आ गया अंडर रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, इफ वाई इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वन इक्वल टू लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस में एक्स, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन डीवाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई प्लस में वन इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करके दिखाना है इसका डेरिवेटिव करके, ठीक है, तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव यू इंटू में वी रूल से करेंगे, वाई इंटू में
टू रूट एक्स स्क्र प्लस वन, एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा 2x, प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन एज इट इज, y का क्या बन गया dy बाई dx। इधर राइट हैंड साइड में लोग है और लोग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स होता है लोग x का, तो 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस में 1 माइनस में x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना d बाई dx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस में x, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया एक्स वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस में 1 इंटू में dy बाई dx। इधर 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस में x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स स्क्र का 2x, ठीक है, माइनस में x का क्या हो गया 1, ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्र प्लस में 1 प्लस में रूट एक्स स्क्र प्लस 1 dy बाई dx। इधर 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ से अगर मैं एलसीएम लू एक्स स्क्र प्लस 1 तो यहाँ पे x माइनस में रूट एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है, यही तो होगा x माइनस में रूट एक्स स्क्र प्लस में 1। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये टर्म कैंसिल आउट होगी ना, माइनस कॉमन ले लेंगे एक्स वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस में 1 प्लस में रूट एक्स स्क्र प्लस में 1 डीवाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स, ऊपर से माइनस कॉमन लिया मैंने तो रूट एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस में x अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस में 1, ये टर्म क्या होगी कैंसिल आउट, ठीक है। अब हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, इधर रह गया एक्स वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस में 1, हमें एक्स स्क्र प्लस 1 डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस में 1 ये फॉर्म लेके आना, प्लस में रूट एक्स स्क्र प्लस 1 डीवाई बाई डी एक्स, इधर बचा है माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस 1। देखो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारा एक्स वाई प्लस यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस में 1 इंटू में डीवाई बाई डी एक्स, और इधर यहाँ पे क्या रह गया माइनस में 1, ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे हम एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू में डीवाई बाई डी एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0, इसको आगे पीछे रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस 1 डीवाई बाई डी एक्स और प्लस में एक्स वाई और प्लस में 1 इक्वल टू 0, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे यू इंटू में वी रूल लगाया, यहाँ पे लोग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में फिर इसका डेरिवेटिव, ये करने के बाद हमने क्या किया है यहाँ पे ऊपर x माइनस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 था और नीचे रूट एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स था, तो अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लू तो ये टर्म कैंसिल आउट होगी, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस 1, इधर भी अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस 1 था, तो थ्रू आउट इक्वेशन को हमने रूट एक्स स्क्र प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो हमने प्रूव करना था एक्स स्क्र प्लस में 1 डीवाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट करते हैं सेवंथ, इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स की 4 प्लस वाई की 4 इक्वल टू टी स्क्र प्लस 1 बाई टी स्क्र, सो करना है हमें डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई, यानी कि ये हमें रिलेशन टी के अंदर गिवन है, तो यहाँ से सबसे पहले हम स्क्रिंग करेंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र लेके चलेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा टी माइनस 1 बाई टी का स्क्र, तो टी स्क्र प्लस 1 बाई टी स्क्र माइनस में 2, ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की 4 प्लस में वाई की 4 प्लस में 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र, अब टी स्क्र प्लस 1 बाई टी स्क्र इस रिलेशन से किसके इक्वल है एक्स की 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस में 2, ये कैंसिल आउट हो गई दोनों टर्म, इसको इधर लेके आएंगे तो 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र, ठीक है, प्लस में 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस में 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र वाई स्क्र इक्वल टू माइनस 1, तो वाई स्क्र आ गया स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्र। अब हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, हमारे पास वाई स्क्र आ गया, डेरिवेटिव कर देते हैं 2 वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्र का यूजिंग यू अपॉन में वी रूल से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस 1 गया तो ये आ गया 2 अपॉन में एक्स क्यूब, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया dy बाई डी एक्स आ गया स्टूडेंट 1 अपॉन में एक्स क्यूब वाई, यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स क्यूब
वाई। सिंपली हमने क्या किया है, जो रिलेशन दे रखा था उसमें स्केयरिंग किया है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे टी स्केयर प्लस वन बाई टी स्केयर बन गया, और ये किसके इक्वल टू था, एक्स की फोर प्लस में वाई की फोर, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे एक्स स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू माइनस वन रिलेशन आ गया, यहाँ पे वाई स्केयर क्या आ गया, माइनस वन अपॉन में एक्स स्केयर। अब हमें डेरिवेटिव करना था, तो यूजिंग यू बाई वी रूल किया, तो डीवाई बाई डी एक्स आ गया वन अपॉन में एक्स क्यूब वाई। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका स्टूडेंट, टेन इनवर्स ये इसके इक्वल भी बन, तो यहाँ से टेन ए क्या हो गया, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, टेन इनवर्स उधर जाके टेन ए बन गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेन ए इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स स्केयर टेन ए प्लस में वाई स्केयर टेन ए इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। वाई स्केयर वाले टर्म को एक साथ में रखेंगे, वाई स्केयर टेन ए प्लस में वाई स्केयर और एक्स स्केयर वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव कर देते हैं क्योंकि हमें डीवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका क्या हो गया, वाई स्केयर का टू वाई डीवाई बाई डी एक्स इंटू में टेन ए प्लस में वाई स्केयर का टू वाई डीवाई बाई डी एक्स, इसका टू एक्स बन गया, ठीक है, माइनस में टू एक्स टेन ए। यहां से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, हमारा टू वाई डीवाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे टेन ए प्लस में वन, यहाँ से टू एक्स कॉमन आ रहा है वन माइनस में टेन ए, हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, टू एक्स वन माइनस में टेन ए, यहाँ पे टू वाई वन प्लस में टेन, ये कैंसल आउट हो गया। सो डेरिवेटिव आ गया डीवाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू में वन माइनस में टेन ए और y इंटू में वन प्लस में टेन, यही तो प्रूव करना था, x इंटू में वन माइनस टेन ए अपॉन y इंटू में वन प्लस में टेन। सिंपली हमने क्या किया है, जो टेन इनवर्स था उसको उधर लेके गए, तो टेन ए इसके इक्वल टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, देन y वाले टर्म को रीअरेंज किया, एक साथ में किया, x वाले को एक साथ में किया, देन डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद dy बाई dx हमने कॉमन निकाला, तो हमारा क्या आ गया, x इंटू में वन माइनस में टेन ए अपॉन y इंटू में वन प्लस में टेन। नेक्स्ट करते हैं एट्थ, इफ वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स 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 कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, हमें प्रूव करना है स्टूडेंट टू वाई माइनस वन इंटू में डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है स्टूडेंट, ठीक है, हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस में इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक बार एक्स लिख के आगे ये टर्म रिपीट हो रही है, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम वाई मान लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, तो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स प्लस में वाई, वाई स्केयर माइनस वाई इक्वल टू एक्स, डेरिवेटिव कर देते, हमें डेरिवेटिव चाहिए, टू वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस में डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डीवाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, टू वाई माइनस में वन इक्वल टू वन, यही तो हमें प्रूव करना था, टू वाई माइनस में वन इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन है, जिसे सिंपली देखो ऐसे रूट दिख रहा था, दिखने में ये क्वेश्चन बहुत लेंथी दिख रहा था, लेकिन ये बहुत इजी होता है स्टूडेंट, आपको क्या करना होता है इसके अंदर, वाई इक्वल टू रूट एक्स एक बार एक्स लिखेंगे, आगे ये टर्म हमारी रिपीट हो रही है, इसको वाई मान लेंगे, अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे और उसका डेरिवेटिव कर देंगे, हमारा जो भी प्रूव करना है वो आ जाएगा। सेकेंड पार्ट के अंदर देखते हैं वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, अब ये आगे वाली टर्म रिपीट हो रही है, तो इसको मैंने y मान, स्केयरिंग बोथ साइड, y स्केयर इक्वल टू साइन एक्स प्लस में y, y स्केयर माइनस y इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, टू वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस में dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया, cos x, dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, टू वाई माइनस में वन इक्वल टू cos x, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव टू वाई माइनस में वन इंटू में डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन है और ये आते भी है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का थर्ड, वाई इक्वल टू अंडर रूट लोग एक्स अंडर रूट लोग एक्स अंडर रूट लोग एक्स कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, हमें प्रूव करना है कि टू वाई माइनस वन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे हम,
ठीक है, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट लोग एक्स, एक बार लिख के आगे वाली टर्म को वाई मान लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड लोग एक्स प्लस में वाई, वाई स्केयर माइनस वाई इक्वल टू लोग एक्स, डेरिवेटिव करते हैं टू वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस में डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लोग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, डीवाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, टू वाई माइनस में वन इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है, टू वाई माइनस में वन इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, हेंस ट्रू। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, ट्रू करना था। लास्ट में एज इट इज है वाई इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स, आगे वाले टर्म को वाई मान लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड टेन एक्स प्लस में वाई, वाई स्केयर माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स, नाउ डिफ्रेंसिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस में डीवाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सीकेंट स्केयर एक्स, डीवाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकालेंगे, टू वाई माइनस में वन इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स, हमें डीवाई बाई डी एक्स चाहिए इधर, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स अपॉन में टू वाई माइनस में वन, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस ट्रू। इजी था स्टूडेंट, डायरेक्ट एक बार लिखेंगे और आगे वाले टर्म को वाई मान लेंगे, देन स्केयरिंग और देन डिफरेंसिएशन। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई, आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी पार्ट में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.6 एक्सरसाइज फ्रॉम दी एलिमेंट्स। थैंक्स एवरीवन।